हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? और रिंकर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। चलिए आज अपन बात करने वाले हैं, मायसेल्फ सुरेश जांगिड, और अपन बात करने वाले हैं रिट एग्जाम के ऊपर, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव बहुत बड़ा यू मान ली जाए महासंग्राम होने वाला है। तो रिट के बारे में बात करेंगे अपन कि रिट में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, कम तैयारी में, कम समय में, अपन सुनियोजित तरीके से कैसे तैयारी करें, क्योंकि काफी बड़ी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। तो इस वैकेंसी की तैयारी के लिए अपने अपने आप का सिलेक्शन 100% कैसे ले सकते हैं, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, रिट एग्जाम जो है यह इस प्रकार से, यहाँ पर अपना सिलेबस क्या होने वाला है, अपन किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है वो वहां पर फोकस करते हैं जहां का वेटेज बहुत कम होता है। तो देखिए देखिए दोस्तों, रिट एग्जाम वेरी सिंपल है अगर अपन सुनियोजित तरीके से इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा कि यहां पर एक पोर्शन तो अपना आने वाला है भाई लैंग्वेज, भाषाओं का, है ना। तो भाषा में अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज करना है। दो लैंग्वेज आप अपनी इच्छा से जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो, पहले तो लैंग्वेज चूज करिए और लैंग्वेज पे फोकस करिए मोस्टली। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है, जो भी आपने चूज करी, वहां पर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और लैंग्वेज सेकंड के भी अपने पास कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन अपने पास होंगे। तो यहां पर आप इस फोकस, मतलब मेन टारगेट ये बनाए कि प्रत्येक लैंग्वेज पे मोस्टली अपना टारगेट ये रहे कि अपन आउट ऑफ सिलेक्शन अगर अपन बात करें तो 28 प्लस क्वेश्चन जाना चाहिए। अपन इन सब्जेक्ट को केवल ऐसे निकाल देते हैं कि भाई चलो अपने हिंदी अच्छी आती है, अपन को संस्कृत अच्छी आती है, और अपन को जो है इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज चूज कर दो तो इंग्लिश अच्छी आती है। तो यहां पर सिंपल से सिंपल टॉपिक पर अपन ध्यान नहीं देते। तो अब अपन को करना क्या है कि डे बाय डे आप आज से इस बात की स्टार्ट कर दीजिएगा हमारे साथ, और लैंग्वेज फर्स्ट में चाहे वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, उस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में अपन को 28 क्वेश्चन प्लस जाना है। तो इस तरीके से तैयारी करिए। आप लैंग्वेज फर्स्ट जो है, यदि हिंदी चूज करते हो तो आप हिंदी वाले हमारे टीचर हैं दिनेश जी मीणा, उनसे आप हिंदी की बुक्स के बारे में कमेंट करके डाल दीजिएगा, हिंदी की बुक्स आपको सजेस्ट करेंगे। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत जो आपके टीचर आने वाले हैं यहाँ पे, उसके बारे में आप सजेस्ट करेंगे। अगर आप लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंग्लिश लेते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप कौन सी बुक को पढ़ें, ताकि अपन जो है 30 में से 28 क्वेश्चंस को कर पाए, जो कि अपना देखो मेजर पार्ट है दोनों लैंग्वेज का, क्योंकि यहां पर 60 क्वेश्चंस अपने पुटअप होने वाले हैं। फिर यदि मैं बात करूं लैंग्वेज के बाद, आप मेनली फोकस करिएगा जो कि है साइकोलॉजी, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी के बिना, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी की अच्छी जानकारी के बिना अपन किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर अपना ड्रीम बन चुका है टीचिंग, अगर अपना ड्रीम है टीचर बनना, तो जब तक आपका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तब तक आप किसी भी टीचर वाले एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जैसा कि अपन यहां पर जानते हैं साइकोलॉजी का पार्ट भी अपना कितना आने वाला है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साइकोलॉजी को रिट के लेवल पर आप तैयारी करिएगा, और रिट के लिए आप साइकोलॉजी हमसे पढ़े, मैं आपको साइकोलॉजी का क्लास दूंगा आज। तो आप ऐसा करिएगा, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे बेस्ट टू बेस्ट तरीके से पढ़ें, और इसमें भी अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि 28-29 या आउट ऑफ, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप तीनों ही पोर्शन में क्लियर करें तो काफी अच्छा रहेगा। फिर अपन देखते हैं कि साइकोलॉजी के बाद अपना जो पार्ट आने वाला है दोस्तों, वो क्या होगा, जीके वाला पोर्शन आएगा, जिसमें अपन का सब्जेक्ट के सब्जेक्ट डिपेंडेंट होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग बात कर सकते हैं। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस के क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं, एसएस वालों के लिए जो है मैं काफी बड़ा लेंथी कोर्स है, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, इतनी सी पार्ट आने वाले हैं।
तो यहां अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट में अगर अपन देखें तो ये अपना वेटेज है दोस्तों कितना क्वेश्चंस का, 60 क्वेश्चंस का। तो इन 60 क्वेश्चंस को आप कैसे तैयार करेंगे, हम आपके साथ हैं, रिंकर पॉइंट आपके साथ खड़ा हुआ है और आने वाले हर कंपटीशन में अपने क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। तो यहां पर देखें कि 60 क्वेश्चंस में भी अपने 15 क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों वो टीचिंग मेथड के होंगे। तो यहाँ टीचिंग मेथड की तैयारी बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो आप टीचिंग मेथड प्लस, तो इस प्रकार से एक प्लान करते हुए कि अपन कौन से सब्जेक्ट पर कितना वेटेज दें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पहले आप तैयार करिए 30 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस को, जो कि आपके लगभग 60% क्राइटेरिया कवर करता है, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी डिट वाले एग्जाम्स में जब तक आप 80% नहीं बनाते तब तक अपन 100% सिलेक्शन की कोई उम्मीद भी नहीं ले सकते। मिनिमम आपके 80% क्वालिफाई होना जरूरी है, 80% मार्क्स अचीव होना जरूरी है। तो अब आप देखिएगा 80% मार्क्स अचीव करने के लिए अपना लेवल का जो तैयारी का जो लेवल है वो क्या होगा, किस तरीके से अपन तैयारी करें। देखिए दोस्तों आज अपन एडिट का एग्जाम में अगर आवेदन की बात करें तो 25 लेक्स के लगभग आपका आवेदन होने वाला है, और उस 25 लेक्स में से अपन अपनी सीट को कैसे निकालें ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। पढ़ बहुत सारे रहे, सभी बच्चे तैयारी करेंगे, लेकिन अपन सिलेक्शन के दायरे में कैसे आए तो उस मैटर में अपन बात करेंगे। तो आपको रीट की तैयारी सुनियोजित प्लान तरीके से करनी है, इसके लिए हम आपके साथ हैं, मैं सिर्फ सुरेश जांगिड़। आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पर लैंग्वेज पार्ट को छोड़ करके जो हमारे साथी हैं दिनेश जी वगैरह काफी अच्छे आपको टीच करेंगे, इनके अलावा जो भी आपके दिक्कत आती है साइकोलॉजी या सब्जेक्ट वाले पार्ट में, आई विल हेल्प यू, मैं आपके साथ हूँ, रिंकर पॉइंट आपके साथ है, बिल्कुल कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। और आशा करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि रिट वाले एग्जाम में अपना 100% सिलेक्शन होगा, इसके लिए हम आपके साथ हैं, थैंक यू।